आपने सर दिल्ली में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में, तब आपने बताया था कि धर्मेंद्र सर का ये फेवरेट गानों में से एक है, क्या इसकी मेकिंग में भी धर्मेंद्र सर का कोई योगदान है या उनसे कोई आपने कुछ इसमें कुछ योगदान लिया इस फिल्म की मेकिंग में? इसमें बस मैं चाह रहा था कि जिस तरह से मैं पापा को फिल्म में जोड़ूँ, तो मैंने टाइटल इसलिए बोला पापा को लेकर पास, ताकि पापा भी अपने पोते के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ पिक्चर के अंदर जुड़ जाएंगे। और जैसे आपने देखा है, हमने जितनी भी फिल्में बनाई हैं विजेता फिल्म पर, कभी घर का कोई आदमी साथ में नहीं काम करता। तो इंडिविजुअल बच्चों को जब हम लॉन्च करी रहे हैं, जैसे दो बच्चे हैं, उसके बीच में मैं नहीं चाह रहा था कोई भी नहीं है सर। जब मैंने सोचा कि मेरा बेटा लॉन्च होना चाह रहा है, तो वहाँ से शुरुआत होती है फादर। और फिर ढेर सारे डायरेक्टर से बात की, कुछ बात बनी नहीं सही ढंग से, फिर मैंने तय किया कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो जहाँ से मैं डायरेक्शन जब मैंने तय कर लिया, तो उसके बाद फिर होता है कहानी क्या होती है, कहानी के ऊपर बातचीत की। तो जब वो सब चीज़ें सब तय हो गई, उसके बाद फिर डायरेक्टर ही है जो आगे आ जाता है, फिर फादर नहीं सामने नहीं आता, बिकॉज जब फादर आ जाएगा तो फिर काम नहीं होगा। कभी डांट लगानी पड़ी? नहीं, डांट लगाने का मैं डायरेक्टर ऐसा नहीं हूँ। डायरेक्टर को मैं चाहता हूँ कि एम्बियंस अच्छा हो, लेकिन मैं उनसे काम कैसे अच्छा निकालूंगा, क्योंकि मैं खुद इस दौर से जा चुका हूँ। मुझे मालूम है कि आज कितना नर्वस होता है, और जितना शोर मचता होता है एक्टर से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो मैं जब पहले भी जो फिल्म अच्छी इसी तरह से मैं एम्बियंस में चाहता जितना फिर से सब प्यार से रहे, काम हो, ताकि मैं उनसे काम निकाल सकता। हाँ, फिर वो बात दूसरी है कि मैं पीछे ही पड़ जाता था, जब तक वो एज ए डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता था, बिकॉज मुझे मालूम है कि एक्टर के अंदर अभी और भी है जो मैं निकाल सकता हूँ। तो उस फोज में लगा रहना, क्योंकि नए बच्चे हैं तो इतना पता नहीं, ऐसा ऐसा ये पहली फिल्म है, तो आप श्योर जैसे मैं सीखा उसी तरह से ये भी आगे बढ़कर दोनों सीखें समझ पाए। As of now, I would love to do a lot of different variety of things. So my mind is not set in one genre, because for an actor, you love getting out of your comfort zone. When you play a different character that is not to you, and you get a different high when you get a different character. So I would like to play a variety of roles, not set in one specific genre. But yes, I do love action movies, so let's see as I go ahead. Karan, my question is for both of you, that since this is your first movie, in the trailer we can see that you are doing the action, drama, romance, or adventure game. So, obviously, first movie, the nervousness we were feeling is that, how is the movie different? We asked, are they different? See, before I had to go do those stunts, I actually trained in Manali for four or five months, and understood that area. Understood the people, because the people are different. I'm a guy from Mumbai city, and I was playing a character from Himachal. So I needed to understand that area. That area, people are so happy and laid back in their own world, and they just love their lives over there. They're very easygoing, and obviously when I do rappelling and all, it should look like it's not the first time I'm doing it. It should be like second nature to me by then. So within those four or five months of training, by the time I got down to actually do it, obviously I was scared. If you're hanging from 300, 400 feet and looking down, any normal human being would be scared. As like, yaar, main actor banna chahta tha, toh such a stuntman bhi ban gaya ho, theek hai. And after that, there was a nice sense of accomplishment, and because the locations we shot were really physically taxing, because they were at high altitude, so it did take it out of you physically, mentally, emotionally. But when you look at the whole two-year process that it took, I am proud of the work I put in, and it's made me a better person, and made me a better actor by the end. करण, एक्टिंग के फील्ड में आना है, ये डिसीजन आपका था या फादर का था? और जब शूटिंग का पहला दिन था तो क्या एक्साइटेड थे या नर्वस? देखिए, एक्टिंग का मेरा डिसीजन था। माय डैड हैज नॉट एवर पुट मी इन एनी पोजीशन दैट ही डिडंट वांट मी टू बी इन। ही इज लाइक, व्हाटएवर चॉइस इज योर्स इन लाइफ, आई विल सपोर्ट इट 100%। आपका अगला क्वेश्चन क्या था उसके बाद? शूटिंग के पहले दिन नर्वस है या एक्साइटेड? पहले दिन को, व्हेन यू पुट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आपकी सब जो भी ट्रेनिंग में नहीं सब बाहर चले जाता है, जब आप कैमरा के सामने हो, तो उस वक्त मुझे लगा कि वो शॉट आसान था, बट मेरे लिए आसान नहीं था।
आई ब्रोक डाउन, आई स्टार्टेड क्राइंग. मुझे लगा कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो एक्टर कैसे बनूंगा. बट लकली आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे वाज बेटर. करंट इंडस्ट्री में धर्मेंद्र सर की एक बहुत अलग पहचान है, सनी सर की भी एक अलग बहुत अलग पहचान है. अब आप आ रहे हैं तो आपकी ये पहली फिल्म हुई है, ऐसे में एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्रेशर कितना ज्यादा था? देखिए अगर मैं प्रेशर के बारे में सोचूंगा तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा. जब भी मैं ये पिक्चर कर रहा था यही चाहता था कि मैं वो कैरेक्टर को ठीक से डिफाइन करके वो कैमरा में निकलना चाहिए. So I gave it my all and 100% to this character and this movie. I didn't think of the other stuff and the baggage. When you think of my mother and father proud, but they've given me so much in life, man. And it's my turn to give them back. And hopefully this is my first step in giving them back. I doubt I'll ever be able to repay them, but let me try. Hi everyone. Karan, in your family you have superstars. There is Sunny sir, Bobby sir, and Dhanam sir. And you recently said that you get advice from every corner from the house, and sometimes too many advice. Yeah. So I want to ask you, whose advice you feel that is the best? I think they're all the best in their own rights. I don't think one person's advice is best. They're all the best in their own way. So I think it's to take it together and see how it can mold into your own individuality is the best. But they all are experienced. They've all had their successes. So they're all right in their own way. And this is your first film. Any young actor who inspires you? I would say Vicky Kaushal. Vicky Kaushal, yeah, because his variety of roles is amazing. Yeah. And the stuff he's doing is pushing boundaries and hacks off the man. It would be a blessing to work with him if you want to work with me. Second, this is your first movie. How was your experience with working with Karan and Sunny? It was amazing, and now when I look back, I think I have a lot of fond memories. And really, it's been an emotional journey. And before that, I didn't have any acting experience, so to speak. So whatever I've learned is because of this film and Sunny Sir. And this film has taught me a lot. Like Karan also mentioned, patience is something that I learned. And I've made a lot of friends in the process, and we're all like a small family. करण मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके फैमिली में सभी सुपरस्टार्स भी हैं और अपनी करियर से हैं, तो आपकी बॉन्डिंग अपने दादाजी से ज्यादा अच्छी है या फादर से? फादर से. आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जो आप लोगों के बीच में, मतलब आप एक अच्छी बॉन्डिंग मानते हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट? मुझे लगता है इस पिक्चर के दौरान मैं भी बिकम क्लोजर together, so I think it come closer and there's a different communication that's coming across, and we understand each other way better shooting a movie for so long. And I look up to him because he's never given up, no matter the criticism and negativity and everything that's thrown at him. He's always stood tall and he's faced it and he's moved on, and I think that's important in life, because today you don't know where you are, tomorrow you can be at the bottom, the after you can be at the top. Life is such a topsy-turvy thing. It's always good to be positive and just move forward and never give up. उसको मुझे निभाना है. मैं इन दोनों बच्चों का कहानी सही है, इससे काम सही करा रहा हूँ, कहीं कुछ गलत होना मतलब जिम्मेदारी जो होती है See, part of the contribution is, see, we are a joint family, so everybody is contributing a lot to what we are and how we all turn out with each other and how we facing the world. So that contribution is always there. And then he's always shown his full faith in me whenever I've done something. Because mujhe abhi bhi yaad hai jab
मैं घर बनाने गया था तो कुछ बना नहीं रहा था, नोबडी वांटेड मी देयर फॉर मी, ये पिक्चर अच्छी नहीं, कहानी अच्छी नहीं, एक्शन अच्छा चल रहा था, तो पापा के पास गया, पापा को सुनाया, पापा आए थे सबको प्रोड्यूस, तो सिमिलरली जब दिल्ली की तो मैंने पापा मैं ये करनी है वो ही रख शुरू होने से पहले ऑब्वियसली जैसे मैंने करण से पूछा, देखो यकीन है हमें आई स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस वर्ल्ड, बिकॉज ये दुनिया जो फिल्म की है हमारी क्रिएटिव वर्ल्ड की है, इसमें मुश्किलें ये होती हैं कि लगता है सब कुछ सिर्फ स्क्रीन पर अच्छा है, लेकिन आगे जिंदगी में मुश्किलें बहुत होती हैं। इफ यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ इंजीनियर और समथिंग, यू हैव अ सर्टिफिकेट, योर प्रोफेशन इज सेट, यहाँ पर एवरी डे यू हैव टू, एवरी फिल्म इज अ टेस्ट फॉर यू, पता नहीं आज ये से ही होगा कल वो से ही होगा, तो इफ यू हैव गॉट द स्ट्रेंथ टू टेक दैट थिंग एंड आपको पता है कि आप लोग एक्सरसाइज करेंगे सब कुछ होगा, तो हाँ आप दरवाजे अपने कान के बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तारीफ भी करेंगे तब भी आपको दरवाजे बंद करने होंगे, नहीं तो आप आसमान में छलांग मारने लग जाओगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कलाकार को आगे बढ़ाने और थोड़ा मुश्किल डालने में ये चीज़ होती है जो आदमी इंसान अपने आप को काबू कर ले, बस यही कह सकता है आदमी, बाकी तो हर आदमी की हाँ हाँ तो कहते थे हम लोग, मैं भी हाँ कह दूँगा मैं ऐसे करूँगा, लेकिन वक्त आने पर पता चलता मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो दैट इज लाइफ। बहुत उम्मीदें थी रोमांटिक फिल्म की, लेकिन उसके बाद जहाँ मुझे याद आपने कहा था कि बैड ड्रीम बाजिता, आपने सोचा था कि सक्सेस होगी और फिर उतनी हो नहीं पाई थी, तो वो उस एक्सपीरियंस को आपने इस फिल्म में इस्तेमाल किया किस तरीके का? देखिए क्या है बताते हैं उस वक्त हमें ये नहीं है कि हम ये नहीं मानते कि शायद ये लोगों को अच्छी लगेगी और चलेगी नहीं, बिकॉज हम एक बिलीव के साथ जाते हैं, वो आप डरते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, वो ना चले चले ना चले इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ना उसके बारे में ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते, तो वो तो रहेगा और हर फिल्म के साथ रहेगा जो भी मैं बनाना चाहूँगा होगा, बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जब ये फिल्म बनाते हैं, जब मैं सही किए, बॉक्स ऑफिस इज नॉट इज डेफिनेटली वांट बॉक्स ऑफिस टू बी वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे पुट इन सो मच ऑफ फंड्स एंड ऑल, ताकि आगे और सक्सेस के साथ आपको और बैकिंग मिलती है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज जो भी पिक्चर मैंने बनाई देन इज रीच आउट टू द सेक्टर ऑफ पीपल हु वर हुम इट वाज मेड एंड दे एंजॉय इट एंड दैट फीडबैक यू गेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो अभी बिकॉज ऑफ डिजिटल तुरंत पता चल जाता है और फॉर्मेट्स इतने हैं आजकल कि कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर चल रही होती है, तो आई ऑलवेज फील दैट मेक अ फिल्म इट्स ऑलवेज गोना बी ऑन द सेल्युलॉइड आइदर ऑन द सेल्युलॉइड और ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लोटिंग अराउंड, सो योर क्रिएटिविटी इज गोना बी देयर, इट माइट टच सम पीपल, इट माइट नॉट टच सम पीपल, सो यू कैन नॉट हैव अ समटाइम्स यू हैव अ बॉक्स ऑफ द सेट बट द होल फिल्म इज गुड, बट so for me the success factor is basically your own journey and your own satisfaction as an actor, as a director, as a producer, and then definitely are we reaching out and then the bahar